नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया फूड रे आपन को स्वागत। आज मु आपन को पई दी प्रकार काकरा पिठा रे रेसिपी नै के आछी। तो चलन तो पिठा बनिया स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे सूजी काकरा पिठा बनिबा। एई पिठा ऊपर ऊपर क्रिस्पी आ भीतर सॉफ्ट आ जूसी हे थाय जा खाइबा पई बहुत टेस्टी लागे। तो चलन तो आकु बनिया स्टार्ट करिबा। तो सेति पई प्रथमे पूरा प्रस्तुत करिबा। तो सेति पई मु एटी गोटे पैन नै छी। एथि मु गोटे बडा साइज रे नडिया को एम्ति कोरि नै छी। तो नडिया को एथिरे ऐड करि देबे। तापर एथिरे गोटे कप चीनी ऐड करिबे। चीनी निज टेस्ट हिसाब रे आपण एटी कम बेसी करि परिबे आउ याकु भला से मिक्स करि नेबे। आपण एटी चीनी बदल रे गुड़ भी यूज करि परिबे। तो एटी चीनी भला से मिक्स होई जाय छी। एबे एथिरे हाफ कप पानी ऐड करिबा। मु पूरा को टिके जूसी बनेबी सेति पई मु एटी पानी ऐड करि छी। जदि आपण पूरा को सुखिला रखिबे तेबे एथिरे पानी ऐड करिबे नाही। पानी ऐड करिबा द्वारा चीनी मेल्ट हो गोटे सिरप प्रस्तुत होता है जहाँ पूरा रे जूसी लगी थाए। तो सेतिपाई मु एटी पानी ऐड करि छी। एबे आकु भलो से मिक्स करि नेबे। तापर चीनी को मेल्ट हबा पर्यंत आकु कुक करिबे। गैस फ्लेम को लो रखिबे। एटी आपण देखि पड़तिबे चीनी पूरा मेल्ट हो जाय छी। एबे एई पूरा को लो मीडियम फ्लेम रे टिके ब्राउन हबा पर्यंत आकु कुक करिबे। याकु बेसी ब्राउन करिबे नाही। टिके लाइट ब्राउन हबा पर्यंत आउ ए सिरा टिके सुखिया पर्यंत आकु कुक करिबे। सिरा को बेसी सुखिबे नाही। एटी पूरा रेडी हे जाय छी। आपण देखि पड़तिबे यार कलर लाइट ब्राउन हे जाय छी। यार टू बेसी आकु सुखिला करिबेनी। एबे एतिरे हाफ टीस्पून गुजराती गुंडा ऐड करिबे आउ याकु भला से मिक्स करि नेबे। गुजराती गुंडा को लास्ट ऐड करिबे जहा द्वारा यार फ्लेवर एतिरे रही थाए। तो पूरा एटी रेडी हे जाय छी। एबे याकु पूरा पूरी ठंडा करि नबा। सेही समय मध्ये रे जंत्रणी प्रस्तुत करिबा। तो सेति पई गोटे कढ़ाई नेबे आउ कढ़ाई रे डेढ़ कप पानी ऐड करिबे। तापर एतिरे 1/3 टीस्पून लुण पकेबे। 3 टेबल स्पून चीनी ऐड करिबे। तापर एतिरे 1/2 टीस्पून पान मधुरी ऐड करिबे आउ याकु मिक्स करि नेबे। तापर हाई फ्लेम रे पानी को फुटिया पई छाड़ी देबे। जेमिति पानी फुटिया स्टार्ट हो जिवो तापर गैस फ्लेम को लो करि देबे। तापर एतिरे सूजी ऐड करिबा। तो मु एटी गोटे कप सूजी नै छी। 250 ग्राम सूजी अछि। सूजी को एका संगे ऐड करिबे नै अल्प अल्प एतिरे ऐड करिबे आउ याकु मिक्स करिबे। नहले एतिरे लम्प साज जिवो आउ सूजी ऐड कला समय रे सब बडे गैस फ्लेम को पूरा लो रखिबे। तो एटी सूजी एतिरे मिक्स होई जाय छी। एबे याकु टिके सुखिला हबा पर्यंत भलसे जंती नबा। तो एटी आपण देखि पड़तिबे सूजी आपे आपे गोटे डो शेप को आसी गलाणी। तो बस लो फ्लेम रे गोटे रु 1.5 मिनिट पर्यंत आकु कुक करिवे। तापर गैस को ऑफ करि देबे। तो एटी मु गैस को ऑफ कर दे छी। गैस ऑफ करिकि आकु कवर करिकि मैक्सिमम 5 मिनिट पर्यंत छाडी देबे जहा द्वारा सूजी भलसे सिझी जिवो। 5 मिनिट परे मु एरा कवर खोलिली। एटी सूजी भी भलसे कुक होई जाय छी। तो एबे आकु टिके ठंडा करि नबा। सूजी को पूरा ठंडा करिवेनी नहले हार्ड होई जिवो। तो जेतिके टेम्परेचर आपनका हाथ सही परिबा सेतिके रखिबे। एबे एथिरे टिके तेल हाथ हेगी याकु भलसे चकटी नेबे आउ यार गोटे डो बनै नेबे। तो याकु पूरा स्मूथ करिके चकटी नेबे। एठी आपण देखि पड़तिबे डो पूरा रेडी हे जाय छी आउ पूरा स्मूथ डो हे छी। एबे यार इक्वल साइज रो डो बॉल बनै नबा। एठी डो बॉल रेडी अछि आ पूरा भी ठंडा हो जाय छी। तो एबे पिठा बनिया स्टार्ट करिबा। तो सेति पई प्रथमे हाथ रे टिके तेल ग्रीस करि नेबे। तापर गोटे डो बॉल नेबे आ याकु टिके राउंड शेप देके चिकन करि नेबे। तापर या मझि रे गोटे होल करिबे जेमति मंडा पिठा बनांती सेही बढ़िया या भितरे होल करि नेबे। एबे एथिरे पूरा पुरैबा। तो पूरा पुरै देबे। हिसाब रे पूरा देबे। बेसी पूरा देबे नहीं नहले फाटी के बाहरी जिवो। तो अल्प अल्प पूरा देखि आकु एमती प्रेस करिके टिके सेट करि नेबे। तापर यार मुह को बंद करि नेबे। तो एमती करिके मुह को पूरा बंद करिबे आउ याकु एमती लॉक करि नेबे। तापर पुणी याकु एमती गोल करिके टिके चिकन करि नेबे। तो एठी हमर गोटे पिठा रेडी हे गला। याकु प्लेट को बाहर करि नबा। तो सेम प्रोसेस रे सबु पिठा को रेडी करि नेबे। तो
ଶହେଟି ସବୁ ପିଠା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ କରିବେ, ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କଢ଼ାଇରେ ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ପିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିତରୁ ବି ଭଲସେ କୁକ୍ ହେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତ ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ବି ଆଉ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରି ଉଭୟ ପଟୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଏହାର ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଉଭୟ ପଟୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଏହାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ଫାଇନାଲି ପିଠା ପୁରା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ସେତିକି କଲର୍ ଥିଲେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଏହାକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଆମର ପିଠା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏବେ ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ବଡ଼କା ପିଠାକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ସବୁ କାକରା ପିଠା ଫ୍ରାଏ ହୋଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି ଯେ କେତେ ଜୁସି ହୋଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରୁ ଏ କେତେ ଜୁସି ହୋଇଛି। ଏ ଉପରୁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ଜୁସି ହୋଇଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ସୁଜି କାକରା ପିଠା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାପରେ ପୁରା ଦିଆ ଅଟା କାକରା ପିଠା ବନିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କପ୍ ଗହମ ଅଟା ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି ଦୁଇ କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଆଉ ଚିନିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେମ୍ କପ୍ରେ କରିଛି। ଚିନି ନେବେ ଗୋଟେ କପ୍, ମିଠା ଆପଣ ଏଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଲୁଣ ଦରକାର ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ, ପାନ ମାଧୁରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଛୋଟ ଚାମଚ। ପାଣି ନେବେ ଚାରି କପ୍, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଦୁଇ କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ ଚାରି କପ୍ ପାଣି ନେବେ। ପାଣି ଏଠି ୟାଠୁ ବେଶୀ କରିବେ ନାହିଁ କି କମ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୁଇ କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ ଚାରି କପ୍ ପାଣି ନେବେ। ଆଉ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଦରକାର କାକରା ପିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ପିଠାର ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ନେଇଛି। ଛେନା ନେବେ ଶହେ ଗ୍ରାମ, ଗୁଡ଼ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ। ଆପଣ ୟା ବଦଳରେ ଚିନି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମିଠା ଏଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ। ତ ପ୍ରଥମେ ପୁର ବନେଇବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼କୁ ପକାଇଦେବେ। ଏବେ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଗୁଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିକି କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତ ଏଠି ଗୁଡ଼ ପୁରାପୁରି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଛେନା ପକାଇବେ। ଆପଣ ଏଠି ଛେନାକୁ କୋରିକି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଛେନାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏହାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବେ। ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପାଣିକୁ ଶୁଖିବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିକି କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବେଶୀ ଆଉ ଡ୍ରାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼ାଇରେ ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ବନେଇଲେ ତଳକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନର୍ମାଲ ଘରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା କଢ଼ାଇ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଚାରି କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଦୁଇ କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ ଚାରି କପ୍ ପାଣି ନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ଲୁଣକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏବେ ପାଣିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେମିତି ପାଣି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଏଥିରେ ପାନ ମାଧୁରୀ ପକାଇବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ। ତାପରେ ପକାଇବେ ଚିନି ଗୋଟେ କପ୍,
एबे चीनी को मेल्ट होबा जाय याकु लो मीडियम फ्लेम रे कुक करिवे। एठी चीनी मेल्ट हे जाय छी, एबे एथिरे 4 छोटे चम्मच तेल पकेबे। आपण तेल जगह रे घी भी यूज करि परिबे। तेल पकेबे द्वारा जंतुणी तड़ को लागिबो नाही। तापर तेल पकेबा परे याकु हाई फ्लेम रे फुटेइ नेबे पानी को, जहा द्वारा तेल पानी सहित भलसे मिक्स हे जइबो। एठी तेल भी मिक्स हो जाए छी। एबे गैस फ्लेम को लो कर देबे। तापर एथिरे अटा ऐड करिवे। अटा को एका संगरे ऐड करिवे नाही, अल्प अल्प करिके एथिरे अटा ऐड करथिबे आ याकु मिक्स करथिबे। एका संगरे अटा ऐड कर देले एथिरे लम्स आसिबो। आउ अटा ऐड कला समय रे गैस फ्लेम को लो रखिवे। तो याकु भलसे मिक्स करिवे। एबे एथिरे गुजराती गुंड पकई देबे आ याकु मिक्स कर देबे। एटी आपण देखि पडथिबे अटा कढ़ाई को लागि नाही। जेते बेडा आपण देखिबे ए आपे आपे गोटे डो शेप को आसीब, आपण जानि नेबे जे ए भलसे कुक हे जाई छी। तो एटी आपण देखि पडथिबे ए आपे आपे गोटे डो शेप को आस जाई छी। तो एटी हे जाई छी। एबे गैस को ऑफ करिके याकु ठंडा करि नबा। एटी मु याकु गोटे प्लेट रे बाहर करिके याकु टिके खेड़ई नै छी, जहा द्वारा तिरे दिबा एक्सेस स्टीम बाहर जिवो आ ए टिके जल्दी ठंडा हे जिवो। एटी ए टिके ठंडा हे जाई छी। तो या एबे याकु टिके चिकण करिके चकटी नेबे। तो एटी हे जाई छी। एबे यार इक्वल साइज रो बॉल्स बनि नेबे। जेमिति मंडा पिठा बनांते सेही हिसाब रे सेतिके बडा साइज रो बॉल्स बनि नेबे। एटी सबू डबल रेडी हो जाए, पूरा भी एटी ठंडा हो जाए। आठ अल्प टिके तेल रखी पिठा बनवाई। प्रथम हाथ में टिके तेल एमती लगे नेबे। तापर गोटे डबल नेबे और याकु राउंड शेप दे देबे। तापर या मझीरे होल करिवे, जेमती मंडा पिठा बनांती सेई भलिया एथिरे होल करिवे। एबे एथिरे पूरा ऐड करिवे। पूरा एथिरे बेसी देबे नहीं, नहले फाटिकी बाहरी जीव। से गोटे रु दी चामच पूरा देबे आउ याकु बंद कर देबे। तेमती हल्का हल्का प्रेस करी याकु पूरा पूरी बंद करी राउंड शेप दे देबे। तो पुणी याकु राउंड शेप दे देबे। एबे याकु हल्का से प्रेस करिवे, जोर से आपको प्रेस करिवे नहीं, नहले पूरा फाटिकी बाहर को बाहरी आसीब। तो ये आपको पिठा सेप दे देबे। तो गोटे पिठा ये रेडी हो जाए। एबे आपको प्लेट रे बाहर कर देबा। सेम प्रोसेस रे मुटी सब पिठा बनई नहीं। बड़का पूरा को आपण सेमती खाली मुहरे भी खाई परिबे, नहले नेक्स्ट टाइम किसी पिठा बनवा समय भी यूज करें। तो ये पिठा रेडी हो जाए। एबे आपको फ्राई करवा। फ्राई करने मुझे तेल को गरम होगा रखीदी। तेल को हाई फ्लेम रे गरम करेंगे। तापर गैस फ्लेम को लो मीडियम कर करदे। तापर एर आपण कड़ाई में जितकी स्पेस थी से हिसाब से पिठा पकेबे। लो मीडियम फ्लेम रे पिठार गोटे साइड को अध मिनिट पर कुक करेंगे। तापर यार साइड चेंज करेंगे। अध मिनिट पर यार साइड चेंज करदे। आध मिनिट पर आर पट साइडा को कुक करेंगे। अध मिनिट आर पट साइडटा लो मीडियम फ्लेम रे कुक हो सारापर गैस फ्लेम को हाई कर करदे। आउ हाई फ्लेम रे पिठा को उभय पटु हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हाब पर्यंत याकु फ्राई करिवे। तो ओलट पलट कर सब आड़ हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हाब पर्यंत याकु फ्राई करिवे। तो ये पिठा पूरा पूरी फ्राई होकर रेडी हो जाए। एबे याकु बाहर कर नबा। तो एमती प्रेस करके एथिरे थिबा एक्सेस ऑयल को बाहर कर नेबे। यही पिठा टिके बेसी तेल अब्जर्व करेंगे। पिठा को नॉर्मल पेपर नहले या टिश्यू पेपर बाहर करेंगे, जहाँ द्वारा एर एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर लगिकी बाहरी जीव। तो ये पिठा सब फ्राई हो। सेम प्रोसेस रे बड़का पिठा सब कुछ भी फ्राए कर नबा। तो ये आम सब काकरा आपड़ तो देखिले काकरा पिठा बनवा केजी अच्छी और खावाक बहुत ही टेस्टी लगी थाए। तो आपण भी यही प्रोसेस रे काकरा पिठा घरे बनांतु और केमी लगुच निज एक्सपीरियंस मो सहित तो कमेंट करके शेयर करूँ। जदि आपन को मोर रेसीपीटा भल लगे तेज आपड़ मोर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मोर चैनल को सब्सक्राइब करने को जमरू भूलें ना। तो एमती नुआ नुआ ओडिया रेसीपी भिड देखापी
राइट साइड रे थिबा नाली बटन को प्रेस करिकि मोर ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।